यार तुम मुझे ये बताओ कि एना तरीका से तुमने जो मक्का का बीज को गौमूत्र से उपचार करो तेका से फायदो काय छे? गौमूत्र से जो हम मक्का को बीज को उपचार करा ओका से जो जमीन का अंदर से जो हमारा पौधा को बीमारी लगत वो नहीं लगती और बरोबर अच्छी तरीका से हमारी फसल उगत। अपना जो पौधा जो लगायल जो पौधा छे वो एकदम सुरक्षित और साफ रहे और किसी भी प्रकार की फसल और बीमारी नहीं लगती। और बीज उपचार का लेना अपन न कोई मार्केट से मतलब बाजार से अपन न का दवाई या कल्चर नहीं लाना पड़ता। यो अपना घर का लिए घर को मतलब दवाई छे जो अपन न का एकदम फ्री मतलब घर में गाय माता पालेल छे तो गौमूत्र अपन किसी समय भी उपयोग में ले सकते हैं। इना हिसाब से अपना फसल की जो बीमारी नहीं छे वो भी बची जात और अपनो समय बची जात पैसों भी बची जात। फसल वर अगर बीमारी नहीं रहेगा तो अधिक से अधिक मतलब फसल से अपन फसल पकाड़ी सकात अधिक उत्पादन ले सकात जेका से अपन को ज़्यादा लाभ हो। एका लेने जामू मक्का को बीज गौमूत्र से बीज उपचार करी ने मक्का को बीज लगावत। अच्छा भैया तुमको जो मक्का का बीज को उपचार गौमूत्र से करने के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी एक जन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पर तुम अन्य किसान का जो मक्का का बीज को उपचार का बारे में गौमूत्र से जो उपचार करने का तरीका के बारे में काय संदेश देना चाहोगे? सब हमारा किसान भाई न का हम ये कहना चाहूँगा कि वो भी मक्का का बीज का गौमूत्र से बीज उपचार करी ने लगाना चाहिए जेका से अपना एक तो पैसा की बचत हो जाएगा समय भी बची जाएगा और अपन का जब भी गौमूत्र चाहिए तो अपन अपना घर में कि गौ माता से कभी भी मतलब अपन ले सक प्राप्त कर सकत नहीं। और अपन का दुकान वर बीज उपचार का लेना दवाई न लेना नहीं जानू पड़ेगा पैसा की भी बचत हो जाएगा और जो जमीन से बीमारी न फसल का लगत वो बीमारी न भी नहीं लगेगा और अधिक से अधिक पैदावार होएगा। एकासी मारो सब किसान भाई न का कहना पड़त कि गौमूत्र से मक्का को बीज उपचार करी न मारो राम राम। भैया तुमने जो मक्का का बीज को जो गौमूत्र से उपचार करने के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी एक तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया वहाँ चलो राम 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 राम।